नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि सेना की भर्ती हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है सिपाही की, तो ये भर्ती जो है मंडी जिले में होने जा रही है। मंडी जिले के पड्डल मैदान में 1 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक ये भर्ती चलेगी। तो इस भर्ती में जो है इस बार डोप टेस्ट होगा। तो इस भर्ती का जो एडमिट कार्ड है वो कब से डाउनलोड होंगे और कौन कौन से जो है आपको इसमें डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे, उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई अपडेट लेके आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो अमर उजाला न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई थी, तो इसमें इन्होंने बताया है कि सेना में भरे जाएंगे सिपाही फार्म के पद, डोप टेस्ट होगा। मंडी के पड्डल मैदान में 1 से 6 नवंबर तक होगी सेना की भर्ती। मैं आगे आपको पूरा डिटेल में बताता हूं कि इन्होंने क्या बताया है न्यूज में। मंडी 1 से 6 नवंबर तक मंडी के पड्डल मैदान में सेना भर्ती की रैली होगी। इसमें पहली बार सिपाही फार्म के पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थियों को डोप टेस्ट भी इस दौरान लिया जाएगा। दौड़ की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभ्यर्थी को डोप टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा। पॉजिटिव पाए जाने पर अभ्यर्थी को भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। मंडी कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवा हिस्सा ले सकते हैं। भर्ती में सैनिक सामान्य ड्यूटी, जीडी, सैनिक लिपिक स्टोर, कीपर तकनीकी के अलावा पहली बार सिपाही फार्म पद में उम्मीदवार भी भाग ले सकते हैं। उम्मीदवार सेना भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 अक्टूबर तक कर सकते हैं। 20 अक्टूबर से उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड अपनी आईडी से डाउनलोड कर सकेंगे, जो आपने joinindianarmy.nic.in वेबसाइट में जाकर आप जो है अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे इन्होंने बताया है, जिला और तहसील वाइज 1 नवंबर से उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। भर्ती निदेशक कर्नल एम राजन ने बताया कि सेना भर्ती प्रक्रिया में केवल ऑनलाइन रजिस्टर्ड उम्मीदवार ही भाग ले सकते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन के दौरान समस्या आती है तो वे सेना भर्ती कार्यालय मंडी में संपर्क कर जानकारी हासिल कर सकता है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटराइज होगी। भर्ती निदेशक ने बताया कि जो जाली प्रमाण पत्र अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस को सौंप दिया जाएगा और उसके प्रति सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भर्ती के लिए जरूरी दस्तावेज जिसमें एडमिट कार्ड लाना होगा आपको, चरित्र प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इसके अलावा सिपाही फार्म पद के उम्मीदवार अपने साथ डी फार्मा, बी फार्मा, मार्कशीट, दस्तावेज वगैरह भर्ती के प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। तो आपको ये जो इन्होंने डॉक्यूमेंट बताए हैं साथ में लेके आने के लिए, ये आप जरूर लेके जाएं, वरना आपको दस्तावेज के बगैर जो है बाहर कर दिया जाएगा। तो 17 अक्टूबर तक करें ऑनलाइन आवेदन। मंडी कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवा ले सकेंगे हिस्सा। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है आपके लिए, जो मंडी कुल्लू और लाहौल स्पीति के जो युवा हैं, तो 1 से 6 नवंबर तक ये भर्ती चलेगी। तो इसके लिए जो है एडमिट कार्ड आपके, मैंने बता दिया कि आपके 20 अक्टूबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, तो आप जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें। अगर कोई समस्या आती है तो आप मंडी में संपर्क कर जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप जो है डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाएं अपने जो हैं, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएं। तो ये थी आज की अपडेट जो इंडियन आर्मी की तरफ से थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत, जय हिमाचल।